है तो भाई दिया आवाज आ रही है सभी को जोर से बोलो ये जय माता दी। मेरा नाम जी एस बंसल है, मथुरा डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। सर एक मैं एक कहानी के रूप में आपको बताना चाहता हूँ कैसा लगा और हमारी बनबड़ कंपनी कैसी है, सभी के लिए कैसी है। चलो चलो, कौन आ सकता है इसमें, कौन कामयाबी ले सकता है, है ना। तो हम जब बनवर्ड में गए थे तो वो दिसंबर का महीना था, ठीक ठीक है बता। दिसंबर में, दिसंबर में हुआ, नवंबर में हुआ था, नोटबंदी कब हुई थी, 8 नवंबर का दिन था। और 8 नवंबर का दिन था जब न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, है ना, एक 75 सिंह नाम का एक व्यक्ति था। अब इसमें से कोई 75 सिंह नाम का कोई व्यक्ति तो नहीं है, किसी को बुरा तो नहीं लगेगा है? तो 75 सिंह नाम का व्यक्ति था, वो दिल्ली रेलवे स्टेशन 10 नंबर प्लेटफार्म पर आया और बैठा। वहां बैठकर उसने एक ऐसी मशीन देखी, वो मशीन जो घूम रहा था उसमें एक पहिया और वहां लिखा था कि ये वेट तोड़ने वाली मशीन है। उसने देखा ये वेट तोड़ने वाली मशीन है, मगर ऐसा नहीं लिखा था, हम सब ने देखा था वेट तोड़ने वाली मशीन, मगर 75 सिंह ने कुछ और देखा था वहां। अच्छा। वहां लिखा था कि सच बोलने वाली मशीन। तो 75 सिंह ने कहा सच बोलने वाली मशीन है, कमाल हो गया। तो 75 सिंह ने देखा उस मशीन के चारों तरफ घूम के देखा कि सच बोलने वाली मशीन है, तो अच्छा देखते हैं। अब अपनी जेब से 75 सिंह जी ने 1 रुपया का सिक्का निकाला और उसके मशीन के ऊपर खड़े हो गए और उसमें 1 रुपये का सिक्का डाला। उसमें मशीन से आवाज आई कि आपका नाम 75 सिंह है, आप दिल्ली से बेंगलोर जा रहे हैं। इसका मतलब 75 सिंह को हवा खराब हो गई, उसकी धड़कनें बढ़ने लगी, वो कहने लग गया अब तो मेरे को मालूम पड़ गया पल्लितर मोदी जी ने वो नोट बंद करवा दिए है और मैं नोट लेने जा रहा था बेंगलोर, है ना। इसका मतलब मेरे पास बदमाश लग गए, ये मशीन सही बोल रही है। तो वो यहां से फिर बाहर गया स्टेशन के, और स्टेशन के बाहर गया वहां से एक बुरखा पहना आया कि अब ये पहचान नहीं पाएगी मशीन। तो जैसी बुर्का पहन के आया और फिर उस मशीन के ऊपर खड़ा हो गया और फिर 1 रुपया निकाला, फिर डाला, उसने कहा कि आपका नाम 75 सिंह है, आप दिल्ली से बेंगलोर जा रहे हो और इमरजेंसी काम से जा रहे हो, पैसे लेने जा रहे हो क्योंकि नोटबंदी हो चुकी है। फिर उसको बिलीव नहीं हुआ, फिर उसके बाद वो सोचा कि अब तो इसको मतलब पूरा ही भरोसा हो गया कि ये मशीन मेरे पीछे पड़ी है, मेरे पीछे बदमाश पड़ गए हैं, इसका मतलब मैं लुट सकता हूं। फिर वो बाहर गया दोबारा से और एक नाव की दुकान पे गया। उस नाव की दुकान पे गया, उसने बुरखा उतारा और अपने टांट के सारे बाल उतार के गंजा हो गया और बाहर से एक भिखारी के कपड़े पहन लिए और मिट्टी हाथ पैर में लिवाड़ ली, तो एक हाथ में फिर कटोरा ले लिया। जो करके कटोरा ले लिया और कटोरे में फिर अब ए बाबू ये कर ऐसे करके वो गया और फिर उस मशीन पे जाके खड़ा हो गया और मशीन पे जाके फिर कटोरी में से 1 रुपया उसमें डाला और फिर उस मशीन ने यही बोला था कि आपका नाम 75 सिंह है, आप दिल्ली से बेंगलोर जा रहे हो, इमरजेंसी काम से जा रहे हो, मगर मशीन ने ये नहीं बोला था, मशीन ने कुछ और ही बोला था कि आपका नाम 75 सिंह है, 10 नंबर प्लेटफार्म पर बैठे थे, आपकी गाड़ी इस प्लेटफार्म से रवाना हो चुकी है बेंगलोर के लिए, है ना। तो ये वन वर्ल्ड आपके प्लेटफार्म से रवाना हो चुकी है और जो यही रह जाएगा वो रह जाएगा, कोई कोहिनूर नहीं बन पाएगा, ये बड़ी तेजी से दौड़ रही है, ऐसी बेंगलोर जाना है ऐसी देने के लिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस ट्रेन में आराम से बैठ सकते हो और कोहिनूर चेयरमैन बन सकते हो। मेरा तो यही कहना था, यही संदेश था कि सभी लोग कोहिनूर बन सकते हैं, मगर उस ट्रेन में बैठे तो अगर 75 सिंह बने रहेंगे, वो सच बोलने वाली मशीन सच बोल रही है, मिस्टर संजय अग्रवाल जी की मशीन है वो सही बोल रही है, सब चेयरमैन बन जाएंगे, सब कोहिनूर बन जाएंगे, 3 करोड़ रुपए रिपर्चे से हर महीने ले सकते हैं, ये इस प्लेटफार्म का, ये कोहिनूर जो प्ले प्लान है रिपर्चेज का, 3 करोड़ कोहिनूर पहुंचते पहुंचते आप 3 करोड़ रुपए महीने रिपर्चेज से ले सकते हैं और डायमंड जब जिस दिन बन जाएंगे तो 12.5 लाख रुपया रिपर्चेज से आएगा आपको,
1,26,00,000 आप डायमंड से ले सकते हैं, और रीपर्चेज जब इनकम आएगी आपके घर में, एक एक व्यक्ति अगर 1,000 की खरीदारी करेगा तो 12,30,000 रुपए डायमंड के लिए आएंगे हर महीने आपके घर में आएंगे रीपर्चेज से। और जब कोहिनूर बन जाएंगे तो 3,00,00,000 रुपए हर महीने आएंगे। हिंदुस्तान की कोई कंपनी